जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 के 65वें और एक और सबसे रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने थी। एडन मार्करम की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने आज विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम खड़ी थी। और जहां एडन मार्करम की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस मैच में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वहीं आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो युवा और दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम सनराइजर्स को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने भी शुरुआत के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और हैदराबाद के बल्लेबाज शुरू के 4 ओवर के बाद केवल 27 रन बना पाए। तभी पारी का 5 ओवर लेकर आए मिचेल ब्रेसवेल ने ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा को महिपाल लोमरोड के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 14 बॉल पर 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद खुद बल्लेबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम, लेकिन तभी इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ब्रेसवेल राहुल त्रिपाठी को भी हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। राहुल त्रिपाठी 12 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हैदराबाद की तरफ से सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरे और क्लासेन ने आते ही चौके के साथ ब्रेसवेल का स्वागत किया। और इसके बाद हेनरिक क्लासेन नाम के इस तूफान ने रुकने का नाम नहीं लिया और मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। एक तरफ हैदराबाद के लगातार विकेट गिर रहे थे, जिसमें कप्तान एडन मार्करम भी 20 बॉल में मात्र 18 रन बनाकर शाहबाज अहमद का शिकार बने। इसके बाद क्रीज पर आए हैरी ब्रुक ने क्लासन के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते हेनरिक क्लासेन ने ताबड़तोड़ 203 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 51 बॉल में 104 रन कूट दिए और अपने आईपीएल इतिहास का पहला शतक पूरा किया। वहीं हैरी ब्रुक ने भी 19 बॉल पर 27 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से हैदराबाद का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 186 रनों तक पहुंच गया। अब 186 रनों का पीछा करने उतरे आरसीबी के दो दिग्गज और महान बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर अपनी टीम आरसीबी को इस मैच में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस मैच में विराट कोहली ने पहले ओवर से ही अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए नेट रन रेट का भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथा ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी के इस ओवर में 4 चौकों की मदद से 18 रन कोट दिए। आरसीबी ने 6 ओवर तक बिना किसी नुकसान के 64 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद तो किंग कोहली द रन मशीन और गर्म हो गई और अपने बल्ले से आग उगलने लगे विराट कोहली। विराट ने इस मैच में किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा, भोवी के तो एक ही ओवर में 4 चौके चढ़ दिए। वहीं फाफ डुप्लेसिस ने भी हर बार की तरह विराट का अच्छा साथ निभाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसी अंदाज में लगभग 18 ओवर तक बल्लेबाजी की, जिसमें विराट ने 18वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की चौथी बॉल पर एक मैक्सिमम छक्का लगाकर 62 बॉल में अपना शतक पूरा किया। और 2019 से 4 साल बाद विराट ने आईपीएल में शतक लगाया है, जिसके बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उनका किंग पूरी तरह फॉर्म में वापस लौट चुका है। विराट अब फिर से अपनी खराब फॉर्म के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक लगा चुके हैं, लेकिन अगली बॉल पर फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जब तक विराट इस मैच की जीत की कहानी लिख चुके थे और 18 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 172 पर एक विकेट था। आरसीबी को अब 12 बॉल में 15 रन बनाने थे। क्रीज पर मौजूद थे कप्तान फाफ डुप्लेसिस और अब उनका साथ निभाने आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन तभी 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर टी नटराजन फाफ डुप्लेसिस को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में आरसीबी 4 बॉल शेष रहते 8 विकेट से इस मैच को जीत लेती है, जिसके बाद आरसीबी के अब 14 पॉइंट्स हो गए हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में आ गई है। और अगर आरसीबी अपना बचा हुआ एक और मैच बड़े मार्जिन से जीत जाती है तो आरसीबी के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के पूरे चांस हो जाएंगे।